विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सनफ मल्लाह मुकेश सैनी ने आजमगढ़ के अंबेडकर नगर में आयोजित निषाद चेतना रैली को संबोधित किया। लाखों की संख्या में पहुंचे निषाद समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। निषाद चेतना रैली को संबोधित करते हुए मुकेश सैनी ने कहा कि 403 में से 169 विधानसभा क्षेत्रों में निषाद वोट बैंक काफी निर्णायक है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अपने वायदे के अनुसार निषाद समुदाय की मल्लाह, केवट, बिंद, माझी, धीवर, कहार, गोरिया, रायकवार आदि जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का राजपत्र व शासनादेश जारी नहीं किया तो मिशन 2022 में उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार की नैया पार नहीं लगेगी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने कहा कि मिशन 2022 में निषाद जातियां निर्णायक की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि अब निषाद समाज किसी के झांसे में नहीं पड़ेगा। इसी दौरान वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने मीडिया को जानकारी दी कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में 13 जनपदों पर रैली करेंगे। जी हां, 13 जनपदों में रैली करेंगे, जिनमें से गाजीपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आगरा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बलिया, अयोध्या, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब किसी के झांसे में नहीं आएगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जो सरकार निषादों को आरक्षण देगी, वीआईपी पार्टी उसी के साथ होगी। उत्तर प्रदेश में निषादों के वोट बैंक से कई पार्टियों ने राज किया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने निषादों की भलाई का नहीं सोचा। आगे विकासशील इंसान पार्टी ने साफ कहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। आरक्षण है तो बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं? और इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ा और मैं लड़ाई लड़ते लड़ते 2017 में एहसास हो गया कि किसी के पीछे घूमने से आपको भीख मिल सकता है, किसी को दया आ जाए तो आपको आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन आपका अधिकार नहीं देगा। आपको अधिकार चाहिए तो लड़ना पड़ेगा और लड़ाई में तो होगा, एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, एक दिन तो आपको जीतेंगे। और हमने 2017 से लड़ाई चालू किया और 2018 में हमने बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। और मैं 2016 से उत्तर प्रदेश में हूँ, इससे पहले भी मैं आपके आजमगढ़ में कार्यक्रम कर चुका हूँ। मैं 2016 में भी सामाजिक संगठन के नाते पूरे भारत में अपने समाज को जोड़ने का मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि एक जगह पहले बेस बनाना पड़ेगा और फिर मैंने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 19 में हमने चुनाव लड़ा, यूपीए गठबंधन के साथ सफलता नहीं मिला। फिर हमने मेहनत किया और 2020 में बिहार में हमने एनडीए गठबंधन के साथ लड़कर, और बिहार में जो आज सरकार जो है वो आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। आज बिहार में एनडीए की सरकार है, भले आपके पास 4 विधायक है, लेकिन जितना 74 विधायक वाले के पास पावर है उतना ही 4 विधायक वाले का भी पावर है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरी होता है और बिहार में 125 विधायक है। 74 वाले के पास जितना पावर है, 74 वाला अगर कल हट जाए सरकार से तो सरकार गिर जाएगा। उसी तरीके से 4 वाले के पास भी उतना ही ताकत है कि 4 हट गया तो बिहार का सरकार गिर जाएगा। तो ये ताकत है आपके बिहार में। और हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार चल रहा है और हमने वहाँ पे निषाद समाज को सर गर्व से ऊंचा है और बिहार में निषाद का सरकार है और जहाँ पे भी जो भी समस्या है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समाज के लिए मैं योजना बनाता हूँ, समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो योजना कभी नहीं चल रहा था आज वो योजना बना रहा हूँ क्योंकि वो सरकार हमारी है। आज बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये का बजट बनता है और 2.25 लाख करोड़ का बजट जब बनता है उस बजट बनने के समय में आपका बेटा, आपका भाई सनफ मल्लाह उस टेबल पर बैठा रहता है और वो बजट के बारे में बात करता है कि किस जाति के लिए, किस समाज के लिए, बिहार के विकास के लिए कैसे काम करना है उसके लिए डिसीजन लेता है। आज बिहार में जब सरकार की बात होता है एनडीए का, जहाँ पे 4 कुर्सी लगता है
जहाँ पे चार कुर्सी लगता है, तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बैठते हैं, तो एक तरफ बीजेपी का बैठते हैं, उसी तरीके से सनत मल्ला भी बैठता है और जीतन राम मांझी भी बैठता है, चार पार्टी मिलकर बिहार का डिसीजन लेता है। तो आज हमें ये कैसे मिला, ये ताकत कैसे मिला, ये हम लोगों ने लड़ा, ईमानदारी से लड़ा, नहीं तो आज़ादी के 75 साल बीत गया। हमारा समाज दूसरे दूसरे पार्टी के पीछे घूम घूम कर एक टिकट के लिए, एक MLC के लिए, एक सांसद के टिकट के लिए सारी जिंदगी बिता देता था, अपना चप्पल घिस देता था, लेकिन उनको एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांटने का काम किया है और हर जाति धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को भी लड़ना पड़ेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, पहले से भी मुझे उत्तर प्रदेश से प्यार है। मैंने 2016 में उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर देखा, क्योंकि 2014 से पहले राजनीति का मुझे ABCD नहीं पता था, लेकिन 2014 से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत लोग अपने मिले, बहुत लोग पराये मिले, लेकिन मैंने सबसे सीखा और बिहार में झंडा गाड़ा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद का वो ताकत है कि उत्तर प्रदेश में भी झंडा गाड़ सकता है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, बड़ा बेटा होता था तो उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन अभी लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा संख्या, जिसके पास ज्यादा वोट है, वही व्यक्ति जिसको चाहिए उसको राजा बनाएगा। आप पंचायत में आप जिनको ज्यादा वोट दे देंगे वो मुखिया बन जाएगा, विधानसभा में जिसको चुन लेंगे वो विधायक बन जाएगा, जिसके पास ज्यादा विधायक होगा वो राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा, लोकसभा में जिसको आप सांसद चुनेंगे, जिसके पास ज्यादा सांसद होगा वो देश का प्रधानमंत्री चुनेगा। और ये ताकत आप में है, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे को चुनते आया, लेकिन बिहार के निषाद ने अपने को चुना और अपने आप को सत्ता में पहुंचा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आपको अपने लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज 75 साल बीतने के बाद आपका सम्मान क्या है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीना पहले बहन वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था और हम लोगों ने मनाया कि प्लान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल में उनकी प्रतिमा 18 फीट का लगाया जाए, उनको माल्यार्पण किया जाए। लेकिन आप सबको पता होगा कि आपके माता बहन आ वो जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनको भी ये सरकार सम्मान नहीं दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे मूर्ति लगने नहीं दिया, कहीं पे माल्यार्पण नहीं होने दिया। ये आपकी ताकत है, आज आपके मरे हुए आपके साथ जो शहीद हो गया ऐसे माता बहन को अगर सम्मान नहीं दे रहा है तो हम लोगों को कैसे ये सरकार सम्मान देगा। तो इसके लिए आपको अपना सरकार बनाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को पहचानना पड़ेगा। आज बिहार में हमने पूरे बिहार में जहां चाहा वहां पे कार्यक्रम हुआ, हम तो अपने बंगला में भी 18 फीट का प्रतिमा माँ फूलन देवी का मैंने लगा के रखा, किसी का ताकत नहीं कि रोक सकता है। तो ये हमने ताकत बनाया है, यही ताकत आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश में बनाना पड़ेगा। और मैं जो देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे समाज के पास जो ताकत है, जो सूझबूझ है, जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से हमारा समाज कैडर है, उसी तरीके से अगर हमारा समाज मजबूती से 2022 में लड़ेगा तो बिहार से ज़्यादा हम लोगों को उपलब्धि उत्तर प्रदेश में मिलने के लिए जाएगा साथियों। तो इसके लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जैसे जागरूक है, ऐसे अगर बिहार में अगर जागरूक हो जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री निषाद का बेटा होगा और कोई नहीं होगा। तो इसलिए लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश में, अब मैं तो देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश से बिहार से लेकर पूरे देश में निषाद अपने आप को मजबूत से खड़ा है, लेकिन जो हम लोगों का नेतृत्व करता है, जो जनता का नेतृत्व करता है, उसी में कमी है, वो समय आने पे बिक जाता है। आज हम 2022 में बिहार नहीं उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि जिसको दिल्ली में राज करना है वो उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली पहुंचता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि 3-4 राज्य का बराबर एक उत्तर प्रदेश है, और जिसको उत्तर प्रदेश में ताकत हो वो दुनिया का हर ताकत, हर शक्ति को, दुनिया के हर शक्ति को वो झुका सकता है। लेकिन अभी समय आया, 2022 में चुनाव होना है, हमें बड़े बड़े ताकत को झुकाना था।
उनसे बात करना था कि भाई आरक्षण दीजिए जो आपने वादा किया है, आज हमारे लोगों को सम्मान दीजिए, हमसे गठबंधन कीजिए, आज हम आपको 15% वोट देंगे तो 15% सीट हमें भी मिलना चाहिए। आज 200-403 सीट है, 15% का मतलब 60 सीट है, 60 सीट आपके पास आएगा, 40-50 जीतिएगा, आपके दम पे राज का सरकार चलेगा। जब राज के सरकार आपसे नाइंसाफी करेगा, 2 मिनट में आप सरकार गिरा सकते। आज हमें ये समझौता करना था, लेकिन हमारा नेता क्या किया, एक MLC में झुक गया, जिसको अपने घुटने में झुकाना था, अपने जूते में झुकाना था, और ऐसे जगह पे खुद झुक गए। अब बताइए ये ऐसा होता है? आज तो हम NDA के साथ है बिहार में, लेकिन हमने कह दिया कि आपकी मेरी दोस्ती सिर्फ बिहार में, बिहार से बाहर आपसे दोस्ती नहीं है। बिहार से बाहर तो निषाद से हम दोस्ती है, निषाद का बेटा है, इसलिए गर्व से कहते हैं कि मैं सनत मुल्ला हूं। और होगा समझौता, हमारे आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ है। आरक्षण नहीं तो आप कौन, मैं कौन, आप अपने घर, मैं अपने घर, मैं अपने लोगों के साथ मस्त हूँ, दाल रोटी खा रहे, नमक रोटी खा रहे। 75 साल से हमारे पूर्वज ने सपना देख देख कर कितने लोग मर गए, आज हमें वो सपना को साकार करना है। फिर लड़ेंगे, क्या होगा, 2022 में सफलता नहीं मिलेगा, 2027 में मिलेगा, अरे 2027 में नहीं मिलेगा, 2032 में मिलेगा। तो हम लोगों को लड़ाई लड़ते रहना है, लेकिन अपना हथियार को नहीं डालना है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब भी जो नेता मजबूत हुआ, उन नेता को खरीद लिया, उसको गुमराह कर दिया, उसको सिखा दिया, एक विधायक, एक MLC, इस पे उनको झुका लेता है। तो इसलिए साथियों, ये बिहार से मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, मुझे मंत्री बनना नहीं है, मुझे विधायक नहीं बनना है, ना ही MLC बनना है, मैं ऑलरेडी बिहार में हूँ। क्योंकि बीच में मैं लखनऊ में गया था, एक माता बहन वहाँ पे मिले, बोले आपके साथ हम हैं, आप मंत्री बन जाइएगा तो भूल मत जाइएगा। तो हम उनको बोले, क्या आपको मैं अभी मंत्री नजर नहीं आ रहा, मैं तो अभी भी मंत्री हूँ, लेकिन मैं आपको याद करता हूँ। आज मैंने एक हिसाब से पायलट बोल दिया कि हम नहीं जा सकते, हम बोले किसी भी हालत में जाना है, बोला सर बहुत रिस्क होगा, बोला रिस्क जो होगा होगा, हम जब जंग पे निकले हैं तो क्या होगा मुझे उसका परवाह नहीं है, आप हमें लेके चलिए। क्योंकि वहाँ पे हमारे माता बहन बड़े संख्या में वहाँ हमारा इंतजार कर रहा है, आप अगर 20-25% रिस्क लेना है तो वो भी लिखिए, और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और हमारे पायलट साहब को भी विशेष तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी रिस्क लेकर यहाँ पे लेके आया, और आप लोगों ने भी मजबूती से यहाँ पे काम किया। तो इसलिए साथियों, पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी को विस्तार।